पढ़ना। तुमने खून होते हुए देखा है? हाँ, मतलब जब मैं वहां पहुंची थी तब। हाँ या ना, देखा है या नहीं देखा? तो हाँ, मतलब नहीं, तुम वहां क्या करने गई थी? मैं वहां रहती हूँ। मेरा मतलब है, मैं और नीलम रूममेट्स थी। कितने टाइम से तुम दोनों साथ रह रहे हो? यही कुछ 6 महीने। क्या तुम दोनों एक ही कॉलेज में भी पढ़ते थे? नहीं मैडम, मैं जॉब करती हूँ। मैं रूम शेयरिंग के लिए ना किसी को ढूंढ रही थी, और तभी नीलम ने मुझसे कांटेक्ट किया, और तब से हम रूम शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था? उस दिन मैं कुछ काम के लिए बाहर गई थी। जब मैं वापस घर आई, मैंने देखा कि आकाश के हाथ में चाकू था और नीलम की डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। जैसे मैंने ये देखा, मैं जोर से चिल्लाने लगी और सबने वहां आकर आकाश को पकड़ लिया। ये आकाश का है? जी, सेल नंबर 2 में। अरुण थांबा, मर जाएगा। कुर्सी दे, उठा इसको। मैडम, मैं कुछ नहीं किया। चुप कर, अब सच सच बता, नीलम का खून क्यों किया? मैंने नीलम को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। आप एक बार तो क्या, 10 बार भी पूछोगे तो मैं यही कहूंगा। अपर्णा ने तुझे रंगे हाथ पकड़ा मर्डर वेपन के साथ, और तूने कहा खून ने किया? हाँ, सच बोल रहा हूँ मैडम, मैंने नीलम को नहीं मारा। नीलम को कैसे जानता था? क्लासमेट। अंग्रेजी नहीं, हिंदी में बात कर, कैसे जानता था? दोस्त थे मैडम। सिर्फ दोस्त था या और कुछ? नहीं, देख सच सच बता, क्या था? सिर्फ दोस्त थे मैडम। तो उस रात तू नीलम के घर क्या करने गया था? मैं दोपहर को नीलम के घर पे गया था, और वो तो बात थी भी नहीं, वहां पे तो अपर्णा अकेली थी मैडम। नीलम, अरे अरे, क्या सीधा घर में घुसा रहे हो? कौन हो तुम? मैं आकाश। अच्छा, पीयूष के भाई, सही कहा ना मैंने? तुम मेरे भैया को कैसे जानती हो? और नीलम कहाँ है? मुझे उससे अभी मिलना है। उसने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है उससे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो। ये तो नीलम की हॉबी है। दिस इज वेरी यूजुअल ऑफ हर। हॉबी है? क्या मतलब हॉबी है? वो पैसों के लिए ना कुछ भी कर सकती है, और उसका तो ये काम ही है, लोगों को फंसाना, उनको धोखा देना, और फिर ना उनके पैसे रख लेना। तुम तो सिर्फ एक मुहारात है उसके लिए, और इस वक्त वो तुम्हारे भाई पीयूष को अपना शिकार बनाई है। पीयूष भैया, पर क्यों? नीलम तो एक बहुत इनोसेंट लड़की है। इनोसेंट लड़की? सबसे बड़ी कमीनी लड़की है वो। उसने तो मुझे भी धोखा दिया। एंड इफ आई गेट अ चांस नाउ, आई वांट टू किल दैट बिच। तुम्हारे साथ क्या किया उसने? मैंने बस उसे उसकी असलियत का ना आईना दिखाया, तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए उसे मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा लिया, और अब उसके साथ कुलछर्रे उड़ा रही है, और मुझे मुझे फोटोज भेज रही है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? जी देखो, जी देखो, बेशरम कहीं की। ये तो भाभी का हार है, ये हार इसके पास कहां से पहुंचा? ये तुम्हारे भैया की छोटी सी भेंट है नीलम के लिए। तुम्हारे भैया रोज नीलम को घर छोड़ने आते थे, घर छोड़ते छोड़ते वो उसे इस बिस्तर तक छोड़ने आने लगे। तुम्हारे भैया के साथ नीलम बहुत खुश है। क्या फोन कर रहे हो उसे? रहने दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी, क्योंकि इस वक्त ना मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ऐश कर रही है। कमीनी औरत, तुम एक काम करो,
रात को जब वो घर आ जाएगी ना, तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, तब तुम आकर अपना हिसाब किताब कर लेना। उसे एक बार मेरे सामने तो आने दो, मेरे भाई का घर बर्बाद करने चली है ना, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अपर्णा का कॉल आते ही मैं बाइक लेके नीलम के घर के लिए चला गया, और जब मैं नीलम के घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि नीलम की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। जब मैं भाग के उसके पास गया तो मैंने देखा कि किसी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। मैं तो चाकू निकालने के लिए गया था, तब तक वहां पे अपर्णा आ गई और वो खून खून चिल्लाने लगी, और बाकी सब लोगों ने मुझे पकड़ लिया, और मैं यहाँ हूँ आपके सामने। यानी नीलम का तेरे भाई पीयूष के साथ चक्कर चल रहा था, पर नीलम पीयूष से मिली कैसे? हाँ बोले गम या खुद साउ डंडा बोल। वो एक दिन तुम्हारे साथ बाइक पर घूमने में ना बहुत मजा आता है, तुम साथ होती हो ना इसलिए। अच्छा चलो अभी जाओ, बहुत देर हो गई है। जाने का मन नहीं कर रहा। जाओ भी। अच्छा एक हाथ तो दे दो। चलो जाओ। बाइक स्किड हो गई थी और मैं बुरी तरह जख्मी हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि नीलम ने मुझे देख लिया और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। तो उस दिन नीलम मुझे मेरे घर पर छोड़ने आई थी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है पीयूष। क्यों परेशान हो रही है श्रुति? अपने दोस्त के पास गया होगा, आता ही होगा। 11 बज गए, कॉलेज तो उसका 6 बजे खत्म हो जाता है। अगर घर से बाहर रहने वाला था तो इन्फॉर्म तो कर देता। पता नहीं ये लड़का कब से इतना कैलस हो गया है। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। शायद आगे मैं देखती हूँ। हे भगवान, आकाश ये क्या हो गया? कैसे लग गई? आराम से। कैसे हो गया? भाभी मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं। क्या हो गया? अब टेंशन मत लो ना। संभाल के। आकाश ये सब कैसे हो गया? लगता है तूने वापस से बाइक ठोक दिया ना? हाँ आप सही कह रहे हैं, ये बाइक से स्लिप हो गया, लेकिन ये मुझे घर छोड़ने आया था और वापस जाते समय इसकी बाइक स्किड हो गई, इसलिए गिर गया। बाइक पैदल गिरने की वजह से काफी ज्यादा जोर से चोट आ गई। डॉक्टर ने कहा है 1 हफ्ते तक बिल्कुल आराम करे और कहीं बाहर ना जाए। आकाश ये कौन है? भाभी ये नीलम है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है और हम अच्छे दोस्त भी है। वो क्या हुआ ना भाभी, इसको घर जाने में लेट हो रहा था तो मैं इसे घर ड्रॉप करने चला गया। आई एम रियली सॉरी आकाश, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे घर छोड़ने नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। रियली सॉरी। ऐसा नहीं है भाभी, आप ही समझाओ ना, इसमें इसकी क्या गलती है? हाँ नीलम शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। और अब मैं ठीक हूँ, 1-2 हफ्ते की बात है, और तुम आ जाना घर पे मिलने मुझसे। इतनी रात हो गई है, तुम्हें अपने घर निकलना चाहिए। मैं चलती हूँ, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना, ठीक है? रुके बाय आकाश। बाय। इतनी रात को तुम घर कैसे जाओगे? मैं ऑटो या कुछ देख लूंगी, डोंट वरी। आकाश नहीं नहीं नीलम, तुम समझ नहीं रही हो बात को, ये एरिया रात को सेफ नहीं है। भैया आप क्या नीलम को घर पे छोड़ दोगे क्या? प्लीज
आकाश तुम्हें तो पता है ना पीयूष की गाड़ी एक हफ्ते से खराब है सर्विस सेंटर पे, तो वो कैसे छोड़ पाएंगे? भाभी लेकिन भैया के पास बाइक भी तो है, आप उनको बोलो ना प्लीज बाइक से छोड़ दे प्लीज। ठीक है पीयूष आप नीलम को छोड़ दीजिए। ओके बाय नीलम। थैंक यू। आकाश तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। हाँ भाभी थैंक यू। और उस दिन ही मेरे भैया और नीलम की पहली बार मुलाकात हुई थी। इसका भाई पीयूष का है। मैडम वो बाहर बैठे थे लेकिन अभी घर चले गए। बुलाओ उसको भी। पता नहीं क्या कर रही हूँ आकाश के साथ, बेचारा खाना खाया नहीं खाया। ये सब ना कहा था ना मैंने तुम्हें कि मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही, लेकिन तुम दोनों भाइयों ने मेरी एक नहीं सुनी। तुम पर तो उसका नशा सा सवार था। हाँ अब भुगतो सारी जिंदगी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहना। सच कहो ना पीयूष, सारी गलती तुम्हारी है। आकाश के साथ साथ तुम भी बहक गए। Shut up, श्रुति, what bhag and all that? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। आकाश और नीलम सिर्फ अच्छे दोस्त थे और मेरे और नीलम के बीच कोई चक्कर नहीं चल रहा था। नीलम के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। प्लीज अब तो ना चुप हो जाओ। मैंने खुद देखा था कैसे उस नीलम को देखते तुम्हारी लार टपकती थी। हाँ और बाइक पर उसको पीछे बिठा के घुमाने में तो बड़ा मजा आता था। अब क्या हो गया? कुछ बकवास करने जा रही हो तुम। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, जो मैंने देखा था ना वही कह रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आकाश जैसा समझदार लड़का जो सिर्फ अपने काम और पढ़ाई पर फोकस करता था, वो कैसे उस लड़की के जुगाड़ में फंस गया। जो तो ऐसा लगता है काश मैंने उस दिन उस लड़की को घर में आने ही नहीं दिया होता। आज ये नौबत नहीं आती। मुझे कुछ नहीं पता, सारी गलती तुम्हारी है। मुझे आकाश घर पर चाहिए कैसे भी करके। श्रुति श्रुति जी बताइए। प्लीज गोयल आप हैं? जी मैं ही हूँ। चलो थाने बुलाया तुम्हें। लेकिन मैंने किया क्या? चलो थाने बताएंगे। अरे पर मैंने किया क्या? चलो कैसे चल रही है तुम्हारी इंक्वायरी? कुछ पता चला कंप्लेंट का? नो सर, बहुत कंफ्यूजन है। दोनों के बयान एकदम अलग है और मेन सस्पेक्ट कबूल कर ही नहीं रहा कि मर्डर उसी ने किया। अरे सीमा, अब कोई भी क्रिमिनल खुद थोड़े कबूल करता है कि ये क्राइम उसने किया है। सब इतना ही आसान होता तो हम लोगों की जरूरत ही क्या थी? इसकी शिनाख्त हमें ही करनी पड़ेगी। सर लेट मी इंटरोगेट हिज ब्रदर, क्या पता चीजें कुछ क्लियर हो जाए। तो करो। मैडम पीयूष को ले आए। उसे इंटरोगेशन रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैडम। ऑल द बेस्ट सीमा, तुम्हारा सस्पेक्ट आ गया। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? पीयूष, पीयूष को याद है। क्या काम करते हो? जी मेरा क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का बिजनेस है। नीलम को कैसे जानती थी? नीलम को कैसे जानते थे? वो मेरा भाई आकाश के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। और
बस और क्या मैडम। घर आया करती थी या तुम भी नीलम को घर छोड़ने जाते थे? हाँ हाँ, मतलब आकाश के कहने पर उसको एक दो बार उसके घर तक छोड़ने गया था। सिर्फ एक दो बार? ध्यान से याद करके बताओ। दो चार बार गया हूँ। तुम सिर्फ नीलम को घर तक छोड़ने जाते थे या घर के अंदर भी जाते थे? रमा, तो कैसी बातें कर रही हो? मैं मतलब उसके घर के अंदर क्या करूंगा? अंदर नहीं जाते थे? नहीं, मैं बस उसको बाहर तक ही छोड़कर अपने घर चले जाता था वापस। इसी तरह सच बताएगा तो ठीक, नहीं तो और भी तरीके हैं हमारे पास। सर, आकाश के एक्सीडेंट के बाद नीलम का हमारे घर में लगभग रोज ही आना होता था। क्या देख रहे? नहीं वो कुछ नहीं, 10 बज गए। अब घर जाने का टाइम है। Thank you.